हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड छाया। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ विटामिन ई का फेशियल। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें होता है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन ई से हमारी स्किन के अंदर हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है, जिससे हमारी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारी स्किन पर शाइन आता है। हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो ये फेशियल उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन पर अलग सा ग्लो लेके आएगा। आपको पार्लर में जाकर फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लर में जब हम फेशियल कराने जाते हैं 1000 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। घर में हम कुछ सामान से इस फेशियल को आराम से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस फेशियल को मैं करना कैसे है। उससे पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। सबसे पहले अपने हेयर को इस तरह से बांध लीजिए। उसके बाद अपने फेस को अच्छी तरह साफ कर लीजिए क्लींजर से या माइल्ड फेस वॉश से। जो भी आप करना चाहें आप कर लीजिए। आपके फेस पर मेकअप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वैसे भी अपने फेस पर कुछ नहीं लगाती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। यदि मैं रोज़ रोज़ मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन पर दाने निकल आते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपकी स्किन पर ब्लैक वाइट इस तरह से नोज़ के आसपास हो जाते हैं, चिन के आसपास हो जाते हैं, तो एक बार स्टीम ले लीजिए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ली थी, इसलिए मैं स्टीम नहीं ले रही हूँ। अब आपको क्या करना है, स्क्रबर बनाना है। चलिए देख लेते हैं स्क्रबर हमें किस तरह से बनाना है। स्क्रबर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ओट्स का आटा। जो सिंपल ओट्स आते हैं मैंने उनको ही पीस लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 1 चम्मच चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच शहद। शहद हमारी स्किन को टाइट भी करेगा, स्किन पर ग्लो भी लेके आएगा। अब हमें लेना है 1 या 2 विटामिन ई के कैप्सूल। यदि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप 2 कैप्सूल ले लीजिए। निडल की हेल्प से खोलकर इसका ऑयल निकाल लीजिए, फिर अच्छे से मिला लीजिए इसे। यदि ये थिक लग रहा है आपको तो थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए इसमें। स्क्रबर हमारा रेडी हो गया। अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, ओपन पोर्स भी कम हो जाते हैं। रेगुलर स्क्रब करते रहने से ओपन पोर्स क्लीन रहते हैं, जिससे इन्फेक्शन वगैरह का खतरा नहीं होता। हल्के हल्के हाथों से हमें 3 से 4 मिनट तक स्क्रब करना है। जहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड से, वहाँ इस तरह से स्क्रब कीजिए। उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। मसाज क्रीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 एग। यदि आप एग का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। अब एग को अच्छी तरह से फेंटिए। अंडे में हर तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हमारी स्किन पर फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होती है, डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। अब लिया है 1 चम्मच दही, जिसे मैंने छान लिया था जिससे इसका पानी निकल जाए। यदि आप एग की जगह एलोवेरा जेल का यूज़ कर रहे हैं तो आप दही का यूज़ मत कीजिए, केवल एलोवेरा जेल को यूज़ कीजिए। अच्छी तरह मिक्स करना है हमें इसे। इसके बाद हम डालेंगे 1 या 2 विटामिन ई के कैप्सूल अपनी स्किन के हिसाब से। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। हमारी मसाज क्रीम रेडी हो गई। अब हम करेंगे फेस मसाज। 5 से 10 मिनट तक हमें फेस मसाज करनी है। इसके लिए इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, नेक पर भी अप्लाई कर लीजिए। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हमें मसाज करनी है। यदि आपको मसाज के स्टेप नहीं आते तो कोई टेंशन नहीं है, केवल सर्कुलर मोशन में आप मसाज कीजिए। मसाज करते टाइम हल्के हाथों का ही यूज़ करना है हमें। इस तरह 5 से 10 मिनट तक मसाज करने के बाद हमें अपना फेस वॉश कर लेना है। मैं ले रही हूँ 2 चम्मच पपाया पल्प। मैंने पपाया को ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पल्प निकाल लिया था। पपाया हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे डेड स्किन सेल्स को भी निकालता है, हमारी स्किन पर ग्लो भी लेके आता है। अब इसमें ऐड करना है 1 चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब ऐड करना है 1 या 2 विटामिन ई का कैप्सूल। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आप 1 कैप्सूल का यूज़ कीजिए, स्किन ड्राई है तो आप 2 कैप्सूल का यूज़ कीजिए। इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह मिला लेना है।
अभी हमारा फेस मास्क रेडी हो गया। अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस पर इसे। फिर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर ऐसे ही छोड़ना है। फिर अपना फेस वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। फेस वॉश का यूज़ हमें नहीं करना है। सच में मज़ा आ जाता है इस टाइप के फेशियल घर में करने से। बहुत ज़्यादा शाइन नज़र आ रहा है मुझे अपने फेस पर। पता नहीं आपको कैमरे पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। फेशियल करने के बाद हमेशा ध्यान रखिए, टोनर ज़रूर लगाइए। मैं रोज़ वाटर का यूज़ करती हूँ टोनर के लिए, तो मैं रोज़ वाटर लगा रही हूँ। टोनर लगाना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं उनको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे रोज़ वाटर से अच्छा टोनर कोई भी नहीं लगता मार्केट का। अब आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो भी आप यूज़ करते हो। मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करूँगी। देखा फ्रेंड्स, आपने घर में हम आसानी से घर के सामान का यूज़ करके अपना फेशियल कर सकते हैं और ग्लो पार्लर के जैसा ही आता है। एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, मैंने इसमें जितनी भी चीज़ों का यूज़ किया है वो आपकी स्किन पर सूट करती है या नहीं करती, तो एक बार पैस्टर जरूर कर लीजिए। कहीं मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं डाली जो आपकी स्किन पर सूट नहीं करती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके रिजल्ट को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।